राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी, तो अंत तक जरूर बने रहेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अवगत कराना है उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या, ये देख सकते हैं आप, 18 अगस्त द्वारा देवमाड़ी संस्कृत को शिक्षा के माध्यम से उसके प्राचीन स्वरूप में। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से, और ये बताया गया है कि 19 अगस्त से 25 अगस्त की अवधि में संस्कृत सप्ताह मनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तत्क्रम में आदेशानुसार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत पत्र के अनुपालन में प्रतिवर्ष दिनांक 19 से 25 अगस्त की अवधि में संस्कृत सप्ताह मनाए जाने हेतु। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउट नेट्स के साथ इन्हें करें आउट। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, CBSE बोर्ड UP बिहार या अदर स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन हो, या फिर क्लास 6 to 12 का IIT मेंस और नीट का क्वेश्चन हो, सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपका उपलब्ध है डाउट नेट्स पर। और यहाँ तक कि क्लास 6 लेकर 12 तक की वीडियो क्लासेस चल रही हैं इंडिया के नंबर 1 ऐप डाउट नेट्स पर, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से। तो डाउनलोड करें डाउट नेट्स को और हिस्सा बने करने का कष्ट करें। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अब जो भी 19 अगस्त आएगा 19 से लेकर के 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जाएगा, ये कि भारतीय परंपरा को एक बढ़ावा देने का कार्यक्रम होगा, समझ सकते हैं आप लोग। तो ये लेटेस्ट जानकारी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।